तो भाई 60 पेटियां डल चुकी हैं गाड़ी में, पिकअप से क्रॉसिंग हो गया डन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और भाई आज का व्लॉग हो रहा है अपना ढली मंडी से। और अपने हेलो त्या बाबू त्या बाबू त्या, तो भाई अपनी गाड़ी लोड हो रही है आज। तो भाई अपनी गाड़ी में डल चुकी थी 400 पेटियां, और अपनी गाड़ी का लोड है भाई कहाँ का, ये भाई कर्नाटक का। तो उस बार जाएंगे लंबाई रूट। उस्ताद जो भाई नया चैनल पे, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और भाई आज का मौसम चेक करो यहाँ का, भाई बारिश भी हुई थी हल्की फुल्की कल। तो अपनी गाड़ी में तो ये देखो 450 के समथिंग पेटियाँ डाल चुके हैं। तो हमने तिरपाल भी डाल रखा है। तो अभी एक पिकअप आई है, तो उसी पिकअप से ही लोड हो रहा है यहाँ पे। वैसे मंडी से तो हुआ नहीं है। तो भाई ये हुआ था नाइट में। तो और ये चिल ब्रो बना रहा है भाई मैगी, वाओ बना। तो भाई रात में लोड हुआ था, तो रात में तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। तो अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट हो गया। तो कर्नाटक में मैं बताऊंगा कौन सी जगह अपना रहेगा स्टेशन। तो भाई यहाँ पे ना रोड पे गाड़ी खड़ी करने का सबसे तगड़ा मसला है, देख रहे हो चारों तरफ गाड़ियाँ ऐसे लगा के। अब वो पिकअप आएगी तो मैं गाड़ी आगे ले लूँगा, उसके बाद में यहाँ पे लगेगी, उसके बाद खाली होगी। तो भाई कर्नाटक में कौन सा स्टेशन है वो आपको मैं लोड करके कंफर्म उसके बाद बताऊँगा कौन सी जगह जाएंगे। तो बने रहना पूरे ब्लॉग में, और अभी दिखाता हूँ आपको सेब की पेटियाँ। ओके गाइज, वहाँ का भाड़ा वगैरह मैं आपको सब वीडियो के एंड में बताऊँगा। ये देखो भाई अभी मौसम कितना चेंज हो गया है ना यहाँ पे। पूरे बदल आ चुके हैं अब पहाड़ पे, देखो ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई धुआं निकल रहा हो। तो अभी जस्ट भाई पिकअप आ गई एक HR नंबर की, इसमें आई है अभी अपने में 60 पेटियाँ। तो 60 पेटी इससे डलेंगी और बाकी और आएंगी अभी, तो इससे डलवाते हैं 60 पेटियाँ। मौसम चेक करो भाई साहब, क्या मस्त व्यू है। देखो इस शख्स को एप्पल का मजा लेता हो, और ये तुम्हारा भाई भी एप्पल खाए। भाई और खाएगा भाई। भाई खाएगा एप्पल। तो भाई 60 पेटियां डल चुकी हैं गाड़ी में, पिकअप से क्रॉसिंग हो गया डन। ये बाकी दूसरी पिकअप से आएगा। और इस बार जाएंगे भाई लगभग 700 पेटी। अपनी पहले 8 की आई थी, अभी पीछे उस्ताद ने कर दी 7 की। 7 की में आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर ले लेंगे एक आधी पेटी जितनी कम बचेंगी। मेरे को लग रहा है वो भी पीछे करनी पड़ेंगी। तो देखते हैं कितनी पेटियां आती हैं। बाकी टारगेट अपना 700 पेटी का, 700 पेटी लेके जानी। तो भाई बारिश में
हो रही है अपनी गाड़ी लोड, और सुरेंद्र कर रहा है मदद भाई लोगों की। तो भाई बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, देख रो दोस्तों, बारिश में भाई बुरा हाल कर दिया अभी। और जस्ट देखो कैसे तंबू तान के रखा हुआ है गाड़ी में, और भाई दोनों भाई यहाँ बैठ के आराम से सेव का आनंद ले रहे हैं। और भाई त्रिपाल ऐसा हो गया ना भीग के, फिर भी पेटी वेटी पे तो पानी जाने नहीं दिया, लेकिन ये पीछे से अभी गिर रहा है, जस्ट अभी क्रॉसिंग हुआ है। तो भाई सेव का आनंद, कितना सेव खाओ सुरेंद्र आज? 8 सेव खा चुका है ये बंदा, साले का पेट है या कोठार, तेरे पेट है कोठार। अलग अलग क्वालिटी का है, अलग अलग क्वालिटी का माल, क्वालिटी का मतलब ये माल एक कंपनी आ गई। अबे आपने कम इमा आठ कंपनी का माल आता है, उसी कंपनी का है, उसी कंपनी का माल खाते हैं। आए हैं अबे लाइट कंपनी, तू को दिखाया जो तेरी वैरायटी का सेव, तू मैं कौन खा है भाई, सलाद में सेव दे रहे हैं। वाह वाह दोबारा एक बार, आपको मैंने सलाद में सेव दे रहे हैं क्या मतलब है? जिंदगी ऐसे है, जिंदगी एक दिन मर जाए कुछ नहीं है। कांचे काट रहा है भाई, चिल चिल कर रहा है मस्त। देखो ऊपर पेटी सेट करके फिर लगाया हुआ है हमने। तो भाई दोस्तों नाइट विजुअल देख लो भाई, यहाँ का ढली का क्या शानदार आ रहा है। और भाई अभी बज रहे हैं 9:30, तो हमारी गाड़ी हो गई लगभग लगभग पूरी। और दोनों भाई भाई बरसात में इतना भयंकर परेशान हुए हैं आज। सुरेंद्र चिल ब्रो, हालत खराब, इसको तो फीवर वगैरह हो गया, तो अभी थोड़ा ही बचा है हमारा यहाँ पे। ये हो रहा है, ये 15-20 पेटियाँ बाकी है बस। 5 बार तिरपाल उतारे, 5 बार चढ़ा। तो भाई अभी सुबह का टाइम हो गया भाई 4:19, और अब गाड़ी निकल रही है हमारी। अब हमें बेल्टी वगैरह मिली है, मतलब 4 बजे हमें बेल्टी वगैरह मिली है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है भाई, सुबह सुबह निकल रहे हैं अब। तो भाई इस बार हमारा है कर्नाटका का टूर, तो एप्पल सीजन का फर्स्ट चक्कर भाई लेके रेडी हैं, और अभी सो के उठे हैं भाई। बिल्टी अगर आप भी जस्ट देखे गए हैं ट्रांसपोर्टर हमें, तो भाई बस सब वगैरह करके कंप्लीट करके सो गए थे हम 11:30 उसके बाद अब भी आए हैं जस्ट। तो निकलते हैं भाई यहाँ से, लेते हैं भोले बाबा का नाम और चलते हैं, करते हैं सफ़र कंटिन्यू, तो दिखाते हैं आपको आगे भी। तो गाड़ी वगैरह स्टार्ट कर दी मैंने, ये देख लो भाई गाड़ी अपनी यहाँ से है 921 2,01,606 किलोमीटर। अब होशपेड चल के बताते हैं कर्नाटका में कितना किलोमीटर चलेंगे, समथिंग 2100 किलोमीटर है, 2100-2150 हो गए 4:30, वहाँ से चले थे 4:17 पे। तो वहाँ से भाई थोड़ी दूर आ गए, ये देखो ये यहाँ का नज़ारा है। ये गाड़ी चला रास्ता जी पहाड़ों
में मजा है भाई, बरसात लगा कितना देखो कितना वो दिखता है, कुछ तारे दिख रहे हैं ना जैसे एक दो ये देख, और नीचे भी। तो भाई अभी चलते आगे, और ये तो गाइस सोदी बाईपास पे लगा है भाई जाम, और ये टेलर वाले ने पता नहीं कहाँ से घुसाई है गाड़ी। अब ये यहाँ पे ट्रेन में बैठ नहीं रहा है, तो इसकी वजह से भाई सब जाम। देखो सब बंदे ये सेव की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सारी की सारी, वो लगी अपनी गाड़ी। और पीछे तो काफ़ी पीछे तक जाम है भाई, वे एक टेलर की वजह से ना पूरा जाम लगा पड़ा है। इधर वाली गाड़ियां तो खैर नहीं है इतनी, ये एक ट्रेलर की वजह से पूरा भाई सोदी बाईपास जाम हो गया। और सब गाड़ियों में सेव लोड है, सबकी मंडी है। ये तो खैर चलो लोकल है, ये पिकअप है तो लोकल है, लेकिन बड़ी गाड़ियां तो सब बाहर जाने वाली हैं। वो भाई नहीं बैठ रहा तो पीछे कर ले। तो भाई अभी सुबह के बज चुके हैं यहाँ पे 6, और यहाँ से निकलते निकलते पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है, या जाम जब तक खुलेगा तब तक। तो भाई पूरी जाम में लाइन लगी पड़ी है, और भाई सुबह सुबह का व्यू चेक करो, यहाँ पे देख रहे हो, और ये वाटरफॉल काफ़ी शानदार है झरना। तो भाई वेट करते हैं कितना क्या निकल पाते हैं कितनी देर में। तो दोस्तों अभी भाई टेलर को किया है पीछे, और अब जस्ट बस गाड़ियाँ निकलना स्टार्ट हुई हैं। तो भाई निकलते हैं फटाफट यहाँ से, तो ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, और आपसे अगले ब्लॉग में मिलते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू रखेंगे।